अकेडमी, द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन नागपुर फॉर जेईई नीट। अमरवाड़ा के सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम जोपनला में एक विचित्र मामला सामने आया है, जहां पुलिस द्वारा 2014 में मृत बताई गई लड़की कल अचानक ही घर वापस आ गई। पुलिस द्वारा 2 साल पूर्व लड़की के कंकाल की बरामदगी दिखाकर लड़की के पिता और भाई को जेल भी भेज दिया गया और प्रकरण का चालान भी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। पुलिस की कहानी के अनुसार 13 जून 2014 को लड़की के भाई सोनू द्वारा लाठी के वार से हत्या करके अपने पिता की मदद से शव को घर के पास खेत में दफना दिया गया था, जिसकी बरामदगी भी 2021 में पुलिस ने तमाम गवाहों के सामने दर्शा दी और पंचनामा भी बना दिया। लड़की के भाई और पिता से अपराध कबूल भी करवा लिया, मेडिकल रिपोर्ट और तमाम शिनाख्ती दस्तावेज भी बना लिए, तहसीलदार और डॉक्टरों की पुष्टि भी हासिल कर ली गई। फिर इन सबूतों के आधार पर लड़की के भाई और पिता को जेल भेजकर सारी औपचारिकता पूरी करके न्यायालय में चालान पेश कर वाहवाही भी हासिल कर ली गई। अब कुछ ऐसा होता है जिसे पुलिस ने सोचा भी नहीं था। लड़की अचानक कल अपने घर वापस आ जाती है। गांव वाले और घर वाले उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं। पूरे इलाके में ये मामला चर्चा में आ जाता है। पुलिस आनन फानन में मामले को दबाने में लग जाती है। लड़की ने मीडिया को बताया कि वो अपनी मर्जी से घर से गई थी। इतने समय तक वो उज्जैन के पास रही और उसने शादी कर ली है। लड़की का कहना है कि उसके पिता और भाई निर्दोष हैं, उन्हें पुलिस ने जबरन फंसाया है। लड़की का भाई 2 साल से अभी जेल में है और पिता को 1 साल जेल में रहने के बाद उम्र के आधार पर जमानत मिली है। लड़की का कहना है कि मेरे निर्दोष भाई और पिता के साथ इंसाफ किया जाए। मामले का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि पुलिस ने जमीन खोद कर कंकाल की 210 हड्डियों की बरामदगी दिखाई है, जबकि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां ही होती हैं। साथ ही 7 साल बाद सारी हड्डियों की बरामदगी होना भी आश्चर्यजनक नजर आता है। ताज्जुब है कि डॉक्टर और तमाम अधिकारियों को भी ये तथ्य दिखाई नहीं दिया। पुलिस द्वारा अपना केस मजबूत बनाने के लिए ऐसे अनेकों मनगढ़ंत साक्ष्य पेश किए गए हैं, जिनका जवाब देना भी अब पुलिस के लिए भारी पड़ रहा है। घटना के समय लड़की की उम्र 14 साल थी, इसलिए इस मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा 2 वर्ष पूर्व ऐसे प्रकरणों का निपटारा करके वाहवाही हासिल की गई थी, जो कि कई साल से अनसुलझे पड़े हुए हैं, और उसी अभियान में अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस तरह के झूठे प्रकरण बनाकर उनका निपटारा किया गया था। ऐसा ही एक मामला सोनसर में भी सामने आ चुका है। बहरहाल लड़की ने सिंगोड़ी चौकी में पहुंचकर पुलिस के सामने अपनी आमद दे दी है और पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। वर्तमान चौकी प्रभारी का कहना है कि इस घटना के समय वह यहां पदस्थ नहीं थे, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है। पूरे मामले की जांच करने के बाद ही वे कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे। नाबालिग का मामला होने के कारण 2 वर्ष पूर्व इस मामले की जांच SGOP अमरवाड़ा द्वारा की गई थी। अगर उनका भी ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए वर्तमान अधिकारी भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। 15 साल की थी जब गई थी। अच्छा, कितने कब का सन याद है आपको? नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ, अभी वापस आई है? हाँ, अभी आई हूँ, बस ऐसे ही थोड़े बहुत हो गया था। नहीं, मेरे को कोई किसी ने मारा भी नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं करा। ये तो झूठा इल्जाम लगाया पुलिस वाले ने, जबरदस्ती मेरे पापा भैया से सबसे मतलब मार पीट करके जबरदस्ती हाँ कर रही है इन्हें। मार खाने वाला कब तक मार खाएगा? उसको मार कर से बचने के लिए इन्हें झूठ बोल दिया। वो तो ऐसा थोड़ा बहुत तो चलता रहता है भाई बहन के बीच में, तो झगड़ा तो अभी ये नहीं पता उनने किस आधार पे मेरे को मारा, मेरे गोती कर दिया। पता नहीं किसका वो कंकाल लेके आ गया, उसको बोल दिए कि ये तो आपकी लड़की है, यही आपकी मतलब मर गई है, इसके इल्जाम में मेरे भाई को जेल पहुंचा दिया। बस यही कहना है कि झूठा इल्जाम लगा के मेरे भाई को अंदर रखा है, अभी उनने जो करा वो सबका जुर्माना भरो वापस, ने मेरे भाई को जेल से बाहर। 2014 में थाना अमरवाड़ा में एक 363 का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक बच्ची जो है 14 साल की, वो घर से गायब हो गई थी। 2021 में जो है तत्कालीन चौकी प्रभारी के द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें जो है लड़की के भाई और लड़की के पिता ने जो है लड़की को मार करके जो है खेत में दफनाना स्वीकार किया था। उनकी स्वीकारोक्ति पे जो जहाँ पे उन्होंने बताया वहाँ पे जो है कंकाल बरामद हुआ था, कंकाल को DNA टेस्ट के लिए भिजवाया था, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। कोर्ट में मामला लंबित है, चालान हम पेश कर चुके हैं और उसमें पिता की जमानत हो गई है, बेटा जो है जेल में है। कल अचानक तथाकथित लड़की जो है वो अपने आप को वही लड़की बता रही है, क्योंकि 9 साल के बाद आई है तो काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं, 9 साल के बाद आई है अब, और वो अपने आप को
उसी लड़की का नाम बता रही है कि मैं वही हूँ घर पे। अब इसमें जो है हम कोर्ट की कार्यवाही जो अग्रिम कार्यवाही वो हम करेंगे और उसका भी DNA जो है मिलान के लिए भिजवा देंगे और देखते हैं आगे जो जिस तरह से जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट। एनरोल फॉर एप्टीट्यूड एंड स्कॉलरशिप टेस्ट्स एंड गेट अ स्कॉलरशिप अप टू 90% ऑन 2-year JEE NEET फीस। फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स कॉल 9